और तो और, अभी बलोनी जी कह रहे थे कांग्रेस कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं, और आज जब अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके प्रभु राम का भव्य मंदिर बन गया है, अब कांग्रेस के लोग कहते हैं, अब कांग्रेस के ही लोगों के स्वर बदल गए, अब कहते हैं कि राम तो सबके हैं। आप देखो ना कितने एक बहुरूपिया है, पहले कहते थे राम हुए ही नहीं, आज कहते हैं राम तो सबके हैं। ऐसे ही होता है बहनों और भाइयों, इन्होंने आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया, युवाओं की आजीविका के साथ भी खिलवाड़ किया, देश की सुरक्षा के साथ भी इन्होंने खिलवाड़ किया, और एक गरीब के ऊपर सरकार का जो संरक्षण होना है होना चाहिए था उसका भी इन्होंने मजाक उड़ाने का काम किया था। चेहरा देखकर के योजनाओं का लाभ देते थे, कहते थे कि देश की संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो फिर 1947 में देश का विभाजन क्यों करवाया था, किसी ने प्रश्न क्यों नहीं पूछा कांग्रेसियों से। भारत का नागरिक कहां जाएगा? और मोदी जी ने 2014 में आने के साथ ही कहा था हमारी योजनाएं किसी व्यक्ति जाति मत और मजहब के लिए नहीं होगा, योजनाओं का आधार होगा सबका साथ और सबका विकास। आज का संकल्प पत्र भी नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट के बीच में है, बहुत स्पष्ट रूपरेखा तैयार कर दे रहा है। कांग्रेस के लोगों के लिए परिवार प्रथम है और मोदी जी के लिए राष्ट्र प्रथम है। बहनों और भाइयों, एक तरफ स्वार्थ का परिवार है, दूसरी तरफ मोदी का परिवार है। एक तरफ देश को अलगाववाद, आतंकवाद, अराजकता, भ्रष्टाचार के आगोश में ले जाने की कांग्रेस की गारंटी है, और दूसरी तरफ भारत को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने की मोदी की गारंटी।